उधर तो पूरे सारे गायब, गाड़ी गायब हो गए। क्या गायब हो गए घर? हाँ लो जी, शुरू हो गया है ठंड में काम, और काम करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए कितने सारे कंबल निकलते हैं हमारे, दो दो सब सारे ओढ़ते हैं कंबल, और आधी ओढ़ता है एक कंबल रजाई डबल करके, और मैं ओढ़ती हूँ दो कंबल, पतिदेव ओढ़ते हैं एक कंबल, क्योंकि उनको ठंड थोड़ी कम लगती है और हम लोगों को लगती है ठंड ज़्यादा। दिन में इतनी नहीं लगती है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती दो दो कंबल की, पर रात में जब भी मैं सोती हूँ ना तो दो कंबल, आजकल दो कंबल लेके सोती हूँ, क्योंकि दो कंबल के बिना मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। और यहाँ आज करनी थी मुझे बेड शीट वगैरह चेंज, तो बस वही चेंज कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और फिर बेड पर ही लेटे लेटे रहते ना, ठंडी का टाइम है तो फिर बेड शीट चेंज करना बहुत ज़रूरी हो रहा था। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ मैं अपने सिर पर तेल लगाने के लिए, क्योंकि मालिश करनी बहुत ज़रूरी हो रही थी, क्योंकि सिर पे मालिश किए हुए बहुत टाइम हो गया मुझे, तो मैंने सोचा चलो आज काम करने के साथ साथ में काम बहुत ज़्यादा है तो मालिश करके छोड़ देती हूँ सिर पे, सिर धोना है इसलिए। तो यहाँ लगभग हो चुकी है सिर पे मालिश मेरे, और प्रिंस हो रहा है हम दोनों पे गुस्सा। मैं नहीं फ्री हूँ 10 बजे तक, सॉरी, और इतना जरूरी नहीं है कि अच्छे नंबर आते हैं वैसे। क्या करेंगे पीटीएम में जाएंगे? पापा भी फ्री हो जाएंगे, पापा ले जाना। क्या कहते मैडम? क्यों बोलो मैडम, सरकारी छुट्टियां चल रही थी उस टाइम पे, तो कैसे आ जाता मैं और मैं था ही सरकारी छुट्टी चल रही है जो उसको उसी के लिए लेना। तो स्कूल में भी तो छुट्टियां थी मैडम, 1 से लेके फिर नर्सरी से लेके फिर 8th क्लास तक के बच्चों की। आज देखिए आने तो है, कौन सा वहां रुकना है 2 बजे तक? नहीं रुकना पड़े, रेडी तो होना पड़ेगा उसके लिए, ड्रेस पहननी पड़ेगी, मुझे तैयार होना पड़ेगा, इतनी ठंडी के अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि आज प्रिंस के थे पीटीएम, और पीटीएम में जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, ना पापा रेडी था ना मैं रेडी थी, और ये इसलिए ना बार बार घूम के कभी मुझे बोल रहा था, कभी इसके पापा को बोल रहा था कि पापा आप चलो, तो इसके पापा बोला मुझे इतनी ठंड में कहीं नहीं जाना है, तो मैंने कहा कि वैसे भी बोल देना छुट्टियाँ चल रही है अभी, इसलिए कहीं नहीं जाना, इसलिए बार बार गुस्सा होकर मेरी तरफ आ रहा था कि आपका काम ख़त्म नहीं होता दिन भर में और जाना ज़रूरी है मेरे पीटीएम में। अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पे झाड़ू लगाने के लिए, छत साफ करनी बहुत ज़रूरी हो रही है। छत पे मैंने झाड़ू लगाए हुए 5-6 दिन हो गए हैं, बाहर इतना कोहरा हो रहा बहुत ज़्यादा, और प्रिंस आने की जिद कर रहा हूँ, मम्मी आपके पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ, ले आ बेटा झाड़ू, क्योंकि दिन में तो धूप निकलती है ना, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज बेडशीट वगैरह भी सब निकाल दी, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। पतिदेव चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कि रोज़ रोज़ धोना ज़रूरी रहता, पर 7-8 दिन हो गए मुझे बेड शीट निकाले हुए ले, और ठंड का टाइम है ना तो सबसे ज़्यादा बिस्तर में टाइम निकलता है, इसलिए उनको धोनी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ बेटा टी शर्ट या स्वेटर सीट के ऊपर से? हाँ ले आ, चलो वो सूपड़ी भी ले आ, उधर पीछे नहीं, चलिए चलते हैं। तो छत पे लगानी थी झाड़ू, बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए तो इस वजह से, और देखिए बाहर कितना कोहरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, आसपास की बिल्डिंग भी नज़र नहीं आ रही है, तो प्रिंस मेरे साथ साथ आ गया था बाहर का नज़ारा देखने के लिए। और 2 घंटे बाद में अच्छी धूप निकल गई थी, तो मैंने भी धो दिए थे खूब सारे कपड़े जो कि सुखाने के लिए आ गई थी, क्योंकि जिस दिन कोहरा होता ना उस दिन मैंने अधिकतर दिन में धूप, अच्छी कड़क धूप निकलते हुए ही देखा है, और कभी कभी जैसे बारिश का मौसम होता है तो सर्दियों में जैसे माउट वगैरह होती है ना तब तो खैर धूप नहीं निकलती है, पर अभी तो सुबह सुबह तो कोहरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था आसपास में, पर अभी तो धूप अच्छी निकली हुई थी, तो सारे कपड़े सुखा दिए हैं और फ्री होने में टाइम लग जाता है, 12 कैसे बच जाते हैं समझ में नहीं आता। और सुबह वैसे भी लेट उठना होता ना सबका, 9 बजे तक तो बिस्तर से हिलते हैं, सिर्फ आधी जा रहा है प्री बोर्ड देने के लिए तो वो जल्दी उठता है, और उसके साथ साथ मैं उठती हूँ, तो हम दोनों के उठने से कोई काम नहीं है, सब उठे तभी काम होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ, और हमारा प्रिंस भी आपका वेलकम करता है। हैं प्रिंस, तू भी वेलकम करना, क्या वेलकम की चैनल पे? मम्मी के चैनल पे आपका वेलकम है, मम्मी के चैनल पे आपका वेलकम है, गुड मॉर्निंग भी कर दे सबको, गुड मॉर्निंग गाइस सबको।
और कपड़े धुल गए हैं, सारे कपड़े धो लिए हैं। आज बेडशीट वगैरह भी निकाली थी, चेंज की थी, ठंड तो बहुत थी, सुबह कोहरा भी बहुत था, पर धूप तेज है ना। बस चल रहे हैं बेटा, 5 मिनट में सिर, तो 5 मिनट थोड़ा धूप खिला दूँ मैं सिर को, फिर चल के बनाएंगे बस नीचे, खाने बनाने का काम है फिर। हाँ तो मेरा सिर अगर धूप नहीं खाएगा तो मैं ठंडे मर जाऊंगी, मुझे बुखार आ जाएगा, तेरे को खाना देने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं बाल भूखे नहीं, तुम भूखे रह जाओगे धूप से, नहीं खाने के बिना तुम भूखे रह जाओगे फिर, अगर मेरे को ठंड लग गई तो। इसलिए मैं थोड़ा धूप में बाल बाल अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो नीचे आ गई थी मैं छत से, जितने भी बाल सूखे ना उनको सुखा के नीचे आ गए, क्योंकि खाना बनाना और खाना रोटी सब्जी नहीं बना रही हूँ मैं, गोभी के पकौड़े बना रही हूँ। और ये जो राशन का सामान लाए थे, जो ज़्यादा ज़रूरत का सामान था, तो इसको भी मैं सेट कर दूँगी, अभी रख दूँगी। और दूध भी गर्म करना है, खीर भी बनानी है, तो सारा काम कर लेती हूँ पहले। तो मुझे पहले जाके और दूध एक्स्ट्रा मंगाया था मैंने 1/2 किलो, कि खीर बन जाएगी। आज खीर खाने का मन कर रहा है और आज पूर्णिमा भी है ना, तो खीर बनानी जरूरी हो रही थी, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। और बाकी सामान राशन का जितना भी है उनको ठिकाने कर देती हूँ, सबको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ के साथ फटाफट खीर चढ़ा के पकौड़ी का घोल के तैयार कर देती हूँ। पहले पकौड़ी का घोल तैयार करूँगी और उसी के बाद ठिकाने लगाऊंगी इनको, देखती हूँ कैसे क्या कहूँ। शाम को इसलिए पकौड़ी भी खाना चाहिए और फिर शाम को सिर्फ पूरी और खीर। अभी आगे वो ले आएगा सोर्स, उनके पास पैसे नहीं है, 10 रुपये का आ गया, 10 रुपये नहीं है मेरे पास, मैम पैसे नहीं, 5 सिक्के मेरे पास। तो वो आएगा ना, ले आएगा, मेरे को काम कर लेने दे अभी फिलहाल, तो प्लीज़ तेरे हाथ जोड़ दूँ मैं। जो भी जितना भी राशन आया था, जितनी ज़रूरत थी घर में, तो उन सबको ठिकाने करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब सामान हम एक जगह रख देते हैं ना और फिर रोज़ रोज़ भूल जाते हैं कि इसको ठिकाने करना करना नहीं करना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे सामान आता तो उसको किचन की पट्टी पर रख देती हूँ निकाल के, ताकि वो उसी टाइम पे डिब्बों में भरने में आ जाए, जिसको छानना है तो छानने में आ जाता है। दाल वगैरह भी लेके आए तो दाल वगैरह भी डिब्बे में मैंने रख दी थी, और साथ के साथ पकौड़ी की भी तैयारी कर रही थी और गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ मैं। और बच्चे बोल रहे थे पूड़ी भी बना देने, मैंने कहा ठीक है तुम गोभी की पकौड़ी खा लो, पकौड़ी से पेट इतना भर से भी भर जाता है, तो अगर भूख लगेगी तो और मैं पूड़ी बना दूँगी। पर प्रिंस ज़्यादा करता है कि पूड़ी बना दो पूड़ी बना दो, नहीं तो आदि तो मेरे बोला पकौड़ी बहुत है मम्मा। और हम तीनों ही थे, इसके पापा नहीं थे, आए भी नहीं थे। मैंने फ़ोन किया पर बोला नहीं मेरी मीटिंग चल रही तो मैं अभी नहीं आऊँगा। तो चलो मैंने सोचा कि आज सिर्फ पकौड़ी खा के ही दिन निकाला जाए। और वैसे भी कभी कभी होता ना कि ज़्यादा ठंड का टाइम होता ना, तो कुछ अच्छा सा गर्म गर्म खाने का मन करता है। तो पहले सोचा कि हलवा बना लेते हैं, पर फिर बाद में सोचा कि नहीं हलवे से कोई काम होने वाला नहीं है, गोभी पड़ी हुई है तो इसको काम में ले लेते हैं, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी खाना कम पसंद करते हैं। तो और अभी ठंड में सारी सब्जियां आई हुई है, अलग अलग तरह की, गोभी है, आलू है, मटर है, गाजर है, सब है। तो पकौड़ी में अगर गोभी की पकौड़ी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ देखिए मैंने बेसन डाल दिया है और इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, खूब सारी लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी सब डाल दूँगी मैं। उसके बाद मैं सबको ऐड कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी। और भूख लग रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो गरम गरम बना लेते हैं सबके साथ में, खाने में आ जाएगा। और प्रिंस जिद कर रहा था कि सॉस सॉस, मैंने कहा कि नहीं है, जो अभी सॉस निकाल ले बेटा, उसके बाद में शाम को लेके आएंगे, और अगर ख़त्म हो गया तो मैं और मंगवा दूँगी। और यहाँ निकल रही है गरम गरम पकौड़ी, चांदो से चलता नहीं, मोटे मोटे तो है ये, और मोटे यार, तो इसका एक एक पीस ही तो जाएगा पकौड़ी का। तो आलू, आलू पहले निकाल लो, आलू तो है ही नहीं, तो फिर सिर्फ पकौड़ी को गोभी, गोभी निकालो पहले, ताकि मैं खा लूँ गोभी। तो पकौड़ी तो सारी निकल गई है, बस ये पापड़ रह रहे हैं, वो पापड़ निकालने हैं। और मैंने सोचा मैं गरम गरम पकौड़ी खा लेती हूँ, क्योंकि ठंडी होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मैं हमेशा दही डाल के, थोड़ा सा मसाला डाल के और फिर खाती हूँ पकौड़ी को। दही के साथ हम पकौड़ी खाते हैं बहुत टेस्टी लगती है। कभी आप अपने घर पर ट्राई करके देखिए, सॉस के बजाय दही के साथ खा के देखें,
और उसमें थोड़ी सी चटनी हो ना, हरी चटनी वो मिला लो, तो बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। और ये लास्ट बनने पर पकौड़ी, ये बनने के बाद पापड़, और फिर गैस बंद करके थोड़ी देर जाएंगे धूप में, और नहीं सोचा कि साथ साथ में खा लेती हूँ गर्म गर्म पकौड़ी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए कह देंगे ऑर्डर ही कर दिया। घर के बाहर ही निकालेंगे तुझे, सच में मेरे को घर के अंदर रख देंगे, तू कुछ ऑर्डर ही नहीं करता इसलिए देते ही। तो आ जाइए आप लोग भी खीर खा लीजिए बच्चों के साथ में, गरम गरम खीर। मेरे बच्चे ऐसे हैं कि ड्राई फ्रूट्स खीर में, हलवे में ड्राई फ्रूट डालते नहीं हो, डालते नहीं हो, तुम खाते ही नहीं हो, कब खाते हो, और नखरे तुम्हारे, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, किशमिश कब डाले मैंने खीर में, वो तो बहुत कम डालती हूँ, बाकी पिस्ता वगैरह तो डाल ही सकते हैं ना, काजू पिस्ता बादाम। तो अभी बनाए थे मैंने दाल चावल, और दिन की पकौड़ी अभी भी पड़ी है, और अभी की पकौड़ी भी पड़ी है, और मैं पति देव है ना, और पकौड़ी ले आए थे मार्केट से, ले आए थे जब, कितने चावल डालने, थोड़े से बस दाल जितनी खानी है। तो बना लिए थे दाल चावल, और मैं घूम के भी आ गई थी वापस धीरे सरम से, और ठंड लग रही थी ना, तो आज मैंने केप लगा ली सर्दी वाली, देखिए कितनी अच्छी लग रही है केप, और मैंने आज ही निकाली थी इनके ग्लव्स, पतिदेव की के बच्चों की सबकी, और हाथों के इनके दोनों के ग्लव्स निकाल लिए थे, घूम के आ गई थी, और अब ये खा रहा है चावल और दाल चावल, और आधी है ना खा के गया है जब बन गए थे थोड़े बहुत, तो फिर थोड़े बहुत अभी आके खा लेगा, और पतिदेव आराम से सो रहे हैं, और यहाँ देखिए पकौड़ी बच गई थी दिन की, पर मुझे अब नहीं खानी है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है ना, मैंने दाल चावल खाया क्योंकि दिन में पकौड़ी खाई थी ना, जब से बस ऐसा लग रहा बस फुल भर गया पेट, अब नहीं खाना है, और ठंड बहुत है, पर फिर भी मैं घूमने गई थी।